हाय एवरीवन, वेलकम टू वन मोर डे ऑफ 21 डे इंग्लिश लर्निंग क्लास। आज के लेसन में हम सीखेंगे सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। इस लेसन के पहले पार्ट में मैंने आपको सिखाया था जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। जिन्हें नहीं पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैं उन्हें एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ये सब इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में जाकर यहाँ आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद आकर इस वीडियो को समझिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉक टू लर्न। लेट्स सी हाउ द सेकंड कंडीशनल sentence look like. Look at this sentence. If I had his number, I would call him. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे कॉल करता, लेकिन नंबर है नहीं, मैंने ये इमेजिन किया। तो हम फर्स्ट कंडीशनल का यूज उन जगहों पर करते हैं जब हम किसी भी हाइपोथेटिकल या थोड़ी अनरियल चीजों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आपकी काफी टाइम से बात नहीं हुई और शायद आगे बात होने के चांसेस है भी नहीं, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो गया। यानी यहाँ आपने इमेजिन किया, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ना आपके पास नंबर था ना आपने कॉल किया। तो इस तरह के सिचुएशन में आप कंडीशनल सेंटेंस का यूज करोगे। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? स्ट्रक्चर होगा इफ के बाद सिंपल पास्ट पहले क्लॉज में, दूसरे क्लॉज में वुड लगा के इन्फिनेटिव। तो है ना ये बहुत ही सिंपल। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ आई मेट बिल गेट्स आई वुड से हेलो, यानी अगर मैं बिल गेट्स से मिलता तो मैं हेलो कहता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये भी अगेन आपकी सोच है और आपकी इमेजिनेशन है। आपको जो समझ आ रहा है, कितना समझ आ रहा है कितना नहीं, ये टेस्ट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में क्विज रखी हुई है। तो आप विद इन 24 आवर्स उस क्विज को जाके सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपसे कितना आता है। और जो भी विनर्स हैं उन्हें मौका मिलेगा मेरे साथ जूम क्लास पे कनेक्ट करने का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इफ ही हैड इनफ मनी ही वुड बाय अ पीस ऑफ लैंड इन स्पेस। अब अगेन यहाँ पर ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक कंडीशन हो गई। ये इम्पॉसिबल नहीं है पर ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये बहुत ज्यादा रियल नहीं है, पर हो भी सकता है कि ऐसा हो, पर इसके चांसेस बहुत कम है। कंडीशनल का यूज आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछने के लिए भी कर सकते हो। कैसे? वो इस एग्जांपल से समझते हैं। इफ यू हैड ओनली वन डे इन इंडिया व्हाट वुड यू डू? इफ यू वन $1 million व्हाट वुड यू डू? और इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट वुड यू डू इफ यू वन $1 million। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सेंटेंस को यहां वहां कर सकते हैं, बस डिफरेंस ये होगा कि अगर आप इफ क्लॉज को बाद में ले जाओगे तो आपको कॉमा हटा देना है, और ये कंडीशनल सेंटेंसेस में जरूरी होता है। और ठीक उसी तरह मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इफ और वेन का यूज भी समझाया था, उन दोनों में अंतर भी समझाया था, तो आप वो वहां जाकर देख लीजिए। कंडीशनल का यूज हम किसी को एडवाइस देने के लिए भी करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो, इफ आई वर यू आई वुड प्रपोज हर, या फिर इफ आई वॉज और आई वर हर आई वुड नेवर कॉल हिम। अब यहाँ इफ आई के बाद आप वर भी लगा सकते हो, वॉज भी लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। कंडीशनल का यूज हम रीजन बताने के लिए भी करते हैं। तो आप कह सकते हो, इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड पे हिज फी, यानी अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं फी जरूर पे करता। या फिर आप कह सकते हो, इफ आई वॉजंट सो बिजी आई वुड अटेंड द पार्टी, यानी अगर मैं बहुत बिजी नहीं होता तो मैं पार्टी जरूर अटेंड करता। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड कंडीशनल नाउ व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। तो अब इसे ध्यान से समझिएगा। वैसे तो ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अक्सर हमें पास्ट की बातों को लेकर ये अफसोस होता है कि पास्ट में कोई ऐसी चीज हो गई है जो आपको लगता है, काश मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, काश मैं ऐसा कुछ कर देता कि जो हुआ वो चेंज हो जाता। तो हमें रिग्रेट होता है,
अगर मैंने पढ़ाई की होती, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो मुझे अच्छे मार्क्स आते, लगता है ना ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है। ये सब हमारा इमेजिनेशन है। हम चाहते हैं कि पास्ट कुछ अलग होता, और हम पास्ट को जाके चेंज तो नहीं करते कर सकते, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इसी तरह के सिचुएशन के लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, इफ के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकेंड क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ शी हैड स्टडीड वेल, शी वुड हैव गॉटन बेटर मार्क्स, यानी अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता तो उसे अच्छे मार्क्स मिलते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कंडीशन ही तो लगाते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू हैडन बिहेव रूडली, शी वुड हैव टॉक टू यू, अगर आपने रूडली बिहेव नहीं किया होता तो वो आपसे बात करती। तो थर्ड कंडीशनल का यूज हम करते हैं जब हमें पास का रिग्रेट हो, या फिर हमारे अंदर इच्छा हो कि काश हम पास को चेंज कर सकते। इफ यू हैड इनवाइटेड मी, आई वुड हैव कम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना उसने बुलाया ना मैं गई। अब हम यहाँ पर थर्ड कंडीशनल में मोडल वर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं। तो जो आप वुड हैव लगा रहे हो उसकी जगह आप शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव भी लगा सकते हो। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ आई हैड टेकन बेटर केयर ऑफ माई मॉम वुडंट हैव गॉटन सिक, अगर मैंने अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखा होता तो वो बीमार नहीं होती। यहाँ पर मैंने वुड हैव यूज किया है, वुडंट हैव, यानी मैं श्योर हूँ कि ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। वहीं पर अगर मैं कहूँ इफ आई हैड टेकन बेटर केयर ऑफ माई मॉम शी माइट नॉट हैव गॉटन सिक, यहाँ पर might not have से ये दिखता है कि यहाँ पर ये ऐसे एक probability थी, मतलब आप sure नहीं हो पर आपको लगता है कि शायद ऐसा नहीं होता, तो यहाँ आपने might का use किया। वहीं अगर आप could have लगा दोगे तब आप अगेन probability या फिर ability की बात करोगे। तो इस तरह से एक ही sentence को आप would have, could have, should have लगा के चेंज कर सकते हो। obviously उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, और आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जाके क्विज ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको एक्चुअल समझ आए कि आपको कितना समझ आया। आई विल सी यू सून विद वन मोर वीडियो।